हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं दीपक और आप देख रहे हो दीपक सेलर यूट्यूब चैनल को। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ICICI पे लेटर से आप अपने बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ले सकते हो। दोस्तों एकदम इजी है, यहाँ पे दो तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा। एक तो फ्री वाला, फ्री में एकदम मिनिमम अमाउंट आप निकाल सकते, वो भी मैं निकाल के दिखाऊंगा। और दूसरा पेड वाला, पेड वाले तरीके से आप 1% या उससे कम यहाँ पे चार्जेस लग रहा है और उससे आप इजीली पैसे अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। दोस्तों दोनों ही तरीके मैं आप लोगों को बताऊंगा या फिर लाइव करके दिखाऊंगा। या फिर वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों को एक मैसेज देना चाहूंगा कि यहाँ पे हमारे कमेंट बॉक्स में कुछ लोग आपके साथ फ्रॉड करने की कोशिश करते। हालांकि मैं आप लोगों को क्लियरली बता देता हूँ, मैं कभी भी किसी के कार्ड डिटेल्स नहीं लेता या फिर किसी का कार्ड का पिन या फिर आपके OTP या फिर आपकी पर्सनल डिटेल्स मैं कभी भी आपको नहीं मांगता। या फिर मैं इंस्टाग्राम पे या फिर किसी अदर सोशल नेटवर्किंग साइट पे आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं करता। अगर कोई मेरे नाम से आपको साथ कोई फ्रॉड करने की कोशिश करे या फिर कार्ड डिटेल्स मांगने की कोशिश करे तो किसी के साथ अपने डिटेल्स शेयर ना करें। तो दोस्तों चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल की स्क्रीन की ओर। सबसे पहले चलेंगे हम प्ले स्टोर में। यहाँ पे दो एप्लीकेशन का हमें काम आने वाला है, स्टेप बाय स्टेप मैं आप लोगों को सब कुछ करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे हमें सर्च बार में यहाँ पे लिखना है यस पे वॉलेट। तो यस पे वॉलेट को हम लिख लेते हैं। यस पे वॉलेट ऑलरेडी मैंने डाउनलोड किया है, इसे रजिस्ट्रेशन भी किया है और इसका मिनी KYC भी इजीली हो जाता है। मिनी KYC से 10,000 का स्पेंड आप एक महीने में कर सकते हैं। तो यस पे वॉलेट में आप लोगों को दिखाता हूँ, ए वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। यहाँ पे मेरा एप्लीकेशन ऑलरेडी डाउनलोड है तो इस एप्लीकेशन को मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह से रहेगा। आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे मेरा पासकोड डाल के यहाँ पे लॉगिन करने का ऑप्शन आ रहा है, जो कि मैंने ऑलरेडी रजिस्टर किया है इसलिए आ रहा है। तो इसे मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आप देख सकते हो मेरे वॉलेट में पहले से ही 10 रुपये पड़े। यहाँ पे वर्चुअल कार्ड वाला एक ऑप्शन होता है, यहाँ से आप इसका वर्चुअल कार्ड देख सकते हो और CV भी देख सकते हो। तो यहाँ पे सब कुछ फंडा यहाँ पे एड मनी से होने वाला है। तो यहाँ पे इस एप्लीकेशन के अलावा भी और एक एप्लीकेशन आपको लगेगा, तो एड मनी में हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे आप लोगों को एड मनी करने के लिए नेट बैंकिंग का भी यहाँ पे सहारा मिलता है। तो यहाँ पे नेट बैंकिंग वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे अमाउंट डाल लेते हैं। तो यहाँ पे मैं बस आपको दिखाने के लिए 500 रुपीज़ यहाँ पे डाल लेता हूँ और आपको बताना चाहूँगा कि आप ज़्यादा अमाउंट के साथ यहाँ पे चक्कर में ना पड़े। उसके बाद ICICI बैंक यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे ICICI बैंक सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे मेरा यहाँ पे प्रोसेस हो रहा है ऐड मनी के लिए। तो यहाँ पे प्रोसेसिंग तक तो वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें यूज़र आईडी डालना पड़ेगा और नीचे पासवर्ड डालना पड़ेगा। तो फटाफट से चलिए यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हैं नेट बैंकिंग का, उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉगिन होने तक वेट तो हमें करना ही पड़ेगा दोस्तों। तो वेट कर लेते, लॉगिन हो गए। यहाँ पे दो ऑप्शन मिल जाते हैं, डायरेक्ट पे करने का, उसके बाद पे लेटर वॉलेट को यूज़ करने का। तो यहाँ पे लेटर वॉलेट को हम यूज़ कर लेते और उसके बाद हमें OTP डालना पड़ता है। यहाँ पे यार गलती से OTP की तो हमने स्किप कर लिया। चलिए कोई बात नहीं, मैसेज बॉक्स में जाके हम OTP देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैसेज बॉक्स में जाके OTP देख के यहाँ पे OTP हम एंटर कर लेते हैं। यहाँ पे OTP हमने देख लिया। चलिए यहाँ पे OTP हम एंटर कर लेते हैं। तो OTP एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे OTP एंटर करने के बाद नीचे थोड़ा सा आना है, यहाँ पे हमें क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम क्लिक कर लेते। जैसे पे क्लिक करते हमारे ICICI पे वॉलेट से हमारे पैसे कट जाएंगे और यहाँ पे हमारे इस वॉलेट में मनी 500 रुपीज़ का ऐड हो जाएगा, जो कि पे लेटर से हमारे ऑलरेडी कटा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो पहला बैलेंस 10 रुपये, जो कि यहाँ पे 510 रुपये हो गए। अब यहाँ पे ट्रिक का काम आता है दूसरे एप्लीकेशन का, जो कि मैं सबसे पहले आप लोगों को दिखाता हूँ कि आज ही के डेट में हमारे वॉलेट से यहाँ पे पैसे कट हुए। तो आई मोबाइल एप्लीकेशन को हमने लॉगिन किया है और इसके बाद पे लेटर पे हम टैप करते हैं। तो यहाँ पे लेटर को हम ओपन कर लेते हैं और यहाँ पे आपको दिखाते हैं स्टेटमेंट में जाके, जो कि मेरा 10,000 लिमिट है पे लेटर का। इसमें से आपको लास्ट 10 ट्रांजेक्शन में दिखाता हूँ, जहाँ पे आप देख सकते हैं 500 रुपये 3 तारीख को कटे। तो आप देख सकते हैं ऊपर में आज ही की डेट है 3 तारीख। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे दूसरे एप्लीकेशन का यहाँ पे सहारा लेते हैं। तो हमें यहाँ पे फिर से प्ले स्टोर में आना है और यहाँ पे सर्च बार में हमें लिखना है अल्ट्रा कैश, जो कि मैं आप लोगों को एप्लीकेशन भी दिखाता हूँ कौन सा वाला एप्लीकेशन आपको डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे जैसे हम अल्ट्रा कैश यहाँ पे लिख लेते हैं, सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हो अल्ट्रा कैश मैंने यहाँ पे सर्च किया। अल्ट्रा कैश सर्च करने के बाद ए वाला एप्लीकेशन आपको दिखेगा, मनी ट्रांसफ़र इंडिया भीम UPI कुछ लिखा हुआ है। इस एप्लीकेशन को आपको डाउनलोड करना है। हमने डाउनलोड करके रजिस्टर किया है ताकि यहाँ पे समय ना बर्बाद हो जाए। तो यहाँ पे हम लॉगिन कर लेते। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे सेंड मनी वाला ऑप्शन है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। सेंड मनी वाले ऑप्शन पे हमें
टैब करना है जो कि मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ। इसके बाद आपको मोबाइल नंबर भरना है, बैंक सिलेक्ट करना है, अमाउंट डालना है, निकनेम डालना है, एक कुछ बेसिक सी डिटेल जो कि आपको बैंक ट्रांसफ़र करने के लिए लगती है वो डिटेल्स आपको डालनी है। उसके बाद पे नाउ पे हमें क्लिक करना है। तो सबसे फटाफट से हम यहाँ पे सारी डिटेल्स भर लेते हैं और यहाँ पे हम पे नाउ पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे 100 रुपीज़ का अमाउंट मैंने डाला है, ये जो मेरा वर्चुअल कार्ड मैंने यहाँ पे डाला है जो कि एस पे वॉलेट का है, जो कि मैं साइट में भी शो करवाता हूँ, जो कि लास्ट डिजिट से आपको पता चलेगा चले जाएगा कि ये मेरा वर्चुअल कार्ड यहाँ पे एस पे वॉलेट का है। और यहाँ पे करेंगे तो आप देख सकते हैं 100 रुपीज़ पे हमें कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा चार्ज देने नहीं पड़ते। यहाँ पे फ्री वाली बात तो यहाँ पे आ गई, 100 रुपीज़ हम स्पेंड करते और देखते हैं हमारे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होते हैं या नहीं। तो यहाँ पे ट्रांसफ़र होने तक हमें वेट करना पड़ेगा, यहाँ पे ओटीपी के लिए वेट करना पड़ेगा। ओटीपी आ गया हमारे इस पे वॉलेट की तरफ से, तो ओटीपी फटाफट से यहाँ पे फिल कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ओटीपी फिल कर लेते हैं और ओटीपी फिल करने के बाद हमारा यहाँ पे सारा काम आ जाता है, सबमिट हमने किया है। तो सबमिट करने के बाद इंस्टेंटली इंस्टेंटली मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे मेरे यहाँ पे इस पे वॉलेट से पैसा कटेगा और मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे अकाउंट से कटा और मेरे बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में भी 100 रुपीज़ यहाँ पे क्रेडिट हो गए। आप मैसेज में देख सकते हो बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी यहाँ पे मुझे मैसेज मिल गए, मेरे अकाउंट में 100 रुपये कटे, जो कि मैं आप लोगों को इस पे वॉलेट में भी जाके दिखाता हूँ। यहाँ पे वॉलेट में से यहाँ पे हमारे 510 में से यहाँ पे 100 रुपये कम हुए और 410 रुपये यहाँ पे बचे। तो यहाँ पे चार्जेबल वाली ट्रिक पे चलते हैं, चार्जेबल वाली ट्रिक भी अल्ट्रा कैश में भी है। तो यहाँ पे अल्ट्रा कैश में जाना है, अगर हम 100 रुपये के ऊपर का अमाउंट स्पेंड करेंगे तो यहाँ पे हमें चार्जेस देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे कितने पड़ेंगे क्या पड़ेंगे सब आप लाइव देख लीजिए। तो यहाँ पे 400 रुपीज़ मैं यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, सेम मैं यहाँ पे इस पे वॉलेट का यहाँ पे कार्ड का यहाँ पे डाल देता हूँ CVV नंबर और पे करता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 रुपये मुझे ओनली देने पड़ रहे हैं। 4 रुपये मतलब इतना बड़ा अमाउंट नहीं, अगर इमरजेंसी में आपके जेब में पैसे नहीं और 500-600 रुपये 1000 रुपये आपको ज़रूरत है, तो यहाँ पे 4-5 रुपये 10 रुपये देके आप यहाँ पे आपका काम चला सकते हो और वो पैसे आपको अगले महीने भरने। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी बात है, तो इस बात पे एक लाइक तो कर दीजिए दोस्तों। तो दोस्तों चलिए यहाँ पे CVV एंटर कर लेते हो, जो 400 रुपये हमें निकालने हैं, जो कि हमारे वॉलेट में ऑलरेडी 410 रुपये कुछ बचे हैं, तो वही उसमें से भी हम यहाँ पे 400 निकाल के दिखाते। तो यहाँ पे हम यहाँ पे फटाफट से OTP फिल कर लेते हैं जो कि हमें मिला है एस वॉलेट की तरफ से। तो OTP यहाँ पे हमने एंटर किया है, यहाँ पे ट्रांजैक्शन स्टेटस यहाँ पे हम वेट करते हैं सक्सेसफुल होने तक, और हमारा ट्रांजैक्शन यहाँ पे सक्सेसफुल हो गया। जो 410 बचे थे उसमें से भी 400 रुपये हमने निकाल दिए और यहाँ पे देख सकते हैं बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से मैसेज भी आ गया, 400 रुपये इंस्टेंटली हमारे अकाउंट में क्रेडिट हो गए। तो दोस्तों ऐसे वीडियो बनाने के लिए काफ़ी कुछ रिसर्च करना पड़ता है, काफ़ी कुछ मेहनत लेनी पड़ती है, और इस ऐसे वीडियो बनाते समय बहुत सी जगह पर हमारे पैसे भी फंसते। तो दोस्तों ये सब कुछ हम आपके लिए करते हैं, तो यहाँ पे एक लाइक तो बनता है। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, ऐसे इंटरेस्टेड इन्फॉर्मेशनल भरे वीडियो पाने के लिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करना है। थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।